What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 7 सितंबर 2020 मंडे है, सुबह के 8:21 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है। लास्ट वीक हमने देखा एक डिजास्टर फॉल निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। मंडे को ही एक जबरदस्त 500 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला। ये आप FII एंड DII वर्सेस निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। ये जो रेड कैंडल है ये हमें FII का एक्टिविटी दिखा रहा है, और ये जो येलो कैंडल है ये हमें DII का एक्टिविटी दिखा रहा है। आप देख सकते हैं 31 अगस्त को जबरदस्त सेलिंग किया है FII ने, और उसके बाद एक न्यूज आई थी, जियोपॉलिटिकल न्यूज थी, इंडिया चाइना के बीच में फिर से एक बार तनाव की स्थिति क्रिएट हो चुकी है। तो उसके मद्देनजर FII, जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं वो डर जाते हैं, वो तुरंत अपना जो भी यहाँ पर पैसा है वो निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 3-4 दिन वीकली एक्सपायरी तक हमें एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला, साइडवेज पैटर्न, और फिर से फ्राइडे के दिन हफ्ते के लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक फिर से गिरावट देखने को मिली, और 20 EMA डेली चार्ट में 20 EMA के नीचे आके एक क्लोज हुआ। तो अभी इस वीक कहाँ पर सपोर्ट है जहां से हम उम्मीद कर सकते कि बाउंस बैक आ सकते हैं, और कहाँ पर अगर निफ्टी सपोर्ट ब्रेक करता है तो और नीचे की तरफ जा सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के यानी फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये फ्राइडे का पिक्चर है, यानी 4 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,416। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट, निफ्टी इंडेक्स सेकेंड टारगेट के नीचे ओपन हुआ शुरू में। तो यहाँ पर स्टार्ट में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, यहाँ से ये रिकवरी करने की कोशिश कर रहा था काफी टाइम। ये जो ब्रेकडाउन लेवल और फर्स्ट टारगेट का ये जो रेंज है इसी के बीच में ये ट्रेड कर रहा था काफी देर, और जब इसने ये 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है इसका रेजिस्टेंस फेस करके ये फिर से जब टूवर्ड साउथ की तरफ आ गया सेकेंड हाफ में, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,389, सेकेंड टारगेट 11,366 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो वेट एंड वॉच, पेशेंस का गेम होता है स्टॉक मार्केट में काम करना। तो फ्राइडे के अगर प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं। US मार्केट भी नासडैक फ्राइडे को देखे तो 144 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, वहां पर भी सीधे तौर पर प्रेशर देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स भी लास्ट 3 वीक से काफी कमजोर दिखाई दे रहे, फ्राइडे को लाल निशान में बंद हुए। एशियाई बाजार आज मंडे को भी ऑलमोस्ट सभी एशियाई बाजार मेजर जो इंडेक्सेस है वो लाल निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। SGX निफ्टी 45 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो हल्की सी रिकवरी करने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से एक बार शुरू करेंगे। क्या ये फॉल जो दिखाई दे रहा है लास्ट वीक, क्या ये और यहाँ से बढ़ सकता है क्या? अगर मंथली चार्ट को देखें तो लास्ट जो 3-4 कैंडल्स है, यानी ये अप्रैल का कैंडल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो फॉल आया था मार्च का, इसके बाद कंटिन्यूस ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, और जो पैटर्न है हायर हाई हायर लो का, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो बन रहा है। तो ये जबरदस्त रिकवरी हमने मई के मंथ से, अप्रैल के मंथ से देखने को मिली। तो अभी इतना ये फिर से ऊपर की तरफ आ गया है, तो एक रिकवरी, एक करेक्शन आना भी लाजमी बनता है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। मार्केट हमेशा ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाता, ये बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करता है, फिर जंप करता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग करता है, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो हो सकता है यहाँ से अगर करेक्शन भी आता है तो इतना बढ़ने के बाद एक करेक्शन आना भी लाजमी होता है। तो यहाँ पर 20 EMA ये जो आप पिंक लाइन देख रहे हैं ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ये हम लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। 10,900 के पास है अभी 20 EMA। आप देख सकते हैं पास्ट में कैसे ये सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर इस जगह पे 20 EMA का सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हो सकता है। तो करेक्शन आना लाजमी है। इतना 4 कैंडल जो ग्रीन बने हैं मंथली चार्ट में, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर
देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था मार्च महीने में, यहाँ से जबरदस्त सेलिंग स्टार्ट हुआ था, तो इस लेवल के आसपास एक सेलिंग प्रेशर, तो इसको अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो निफ्टी में नए हाईज भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बढ़त के बाद, एक जबरदस्त बुल रन के बाद एक प्रॉफिट करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग भी आना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यह मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में जैसे कि यहाँ पर स्विंग हाई लो को पकड़ के हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो एग्जैक्ट 123.6% का ये जो लेवल है यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। पहले 100 ईएमए के 100% के लेवल के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आप देख सकते हैं ये 4 हफ्ते कंटिन्यूस इस लेवल के पास ये हर्डल फेस कर रहा था। इसको जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेकआउट मिला, तो ऊपर 11,745 के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। अभी ये जो कैंडल बना है ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है, तो ये सिग्नल होता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये सिग्नल है कंफर्मेशन के लिए, इसको फिर से एक बार यहाँ पर ऐसे रेड कैंडल बनाना होगा। और जो सपोर्ट आ रहा है, जो पिछले टाइम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हर्डल का काम कर रहा था 11,184, 200 पकड़ लेते, इसके पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो अभी ये फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम कर सकता है। तो एक रेड कैंडल और ये सपोर्ट ब्रेक करना काफी जरूरी है, तो हमें कन्फर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से अभी एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट करके फिर से ये बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि अगर मूविंग एवरेजेस को देखें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तो ये गोल्डन क्रॉसओवर भी यहाँ पर बन सकते हैं। हम लास्ट वीक से बात कर रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर बने। एट ए टाइम तीनों एवरेजेस एट ए टाइम एक दूसरे को क्रॉस करें और ये जो अपसाइड का स्ट्रक्चर होता है यानी असेंडिंग ऑर्डर्स, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करें, ऐसा यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटीज है ऐसा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता। जो यहाँ पर सिग्नल्स मिल रहे हैं, इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, उसके मुताबिक हम यहाँ पर अपना ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर सिग्नल मिला हुआ है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है, बुलिश टू बियरिश। तो ये वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर यहाँ से जो फॉल आया है इस टॉप को लेके, तो हम अगर यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें, ये लो और इस हाई को पकड़ के, तो आप देख सकते हैं लास्ट डे जो फ्राइडे का लास्ट डे था वीक का, एग्जैक्ट 50% के पास ही आके ये फिर से क्लोज हुआ है। जहां पर ये मंडे को इसने जबरदस्त ये रेड कैंडल बनाया था, उसका लो भी एग्जैक्ट इसी लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट करके यहाँ से हमने कुछ रिकवरी देखी थी, लेकिन इसका ये जो प्रेशर था एफआई ने जो यहाँ पर हावी सेलिंग की थी और जियोपॉलिटिकल न्यूज के कारण भी यहाँ पर प्रेशर और ये बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ से और नीचे की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 11,230 का, जो कि 61.8% का लेवल है। ये सपोर्ट्स है, यहाँ से अगर हम स्विंग हाई लो को ड्रॉ करें, ये जो यहाँ पर है स्विंग हाई लो, तो इस तरह से ये जो स्विंग लोज बन रहे हैं ये हो सकता है अभी यहाँ पर सपोर्ट का काम करे। अभी फ्राइडे को देखें तो एग्जैक्ट फ्राइडे को एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया। अगर ये लेवल को ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स, तो नीचे 11,230 और बाद में यहाँ पर जो स्विंग लो बना है इसी के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर सकता है, जहां पर ये 50 EMA का भी ये लाइन आ रहा है। डेली चार्ट में 50 EMA का लाइन अराउंड 11,063 के पास आ रहा है, तो 11,230 अगर ब्रेक होता है तो 11,050 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट होगा, और ऊपर 20 EMA के ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फिर से यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर सकता है। अभी फिलहाल 20 EMA के नीचे आ गया है, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है, इसको इसने ब्रेक डाउन यहाँ पर फ्राइडे को दिखाया। होप सो ये फिर से आके 20 EMA के ऊपर सस्टेन करने लगे तो हमें यहाँ से उम्मीद बढ़ जाएगी कि निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़े। तो ये था डेली, वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं, अभी काफी रेड पोजीशन में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर जो लास्ट सपोर्ट बन रहा था, ये जो आप लेवल देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्विंग लो बना के ये बाउंस बैक हुआ, तो इस लेवल के नीचे तुरंत पिवट पॉइंट का भी S1 का लेवल है,
तो इन लेवल्स को कंप्लीटली ब्रेक करने दीजिए टुवर्ड्स साउथ की तरफ, तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाना बेहतर होगा। यानी 11,271 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,245, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,217, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जोन बन रहा था यहाँ पर कई बार पास्ट में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, फिर यहाँ से जब स्विंग लो बना के ऊपर की तरफ जा रहा था एक दिन यहाँ पर ये कंटिन्यूज यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो ये जो लेवल है 11,351 इसी के ऊपर पिवट पॉइंट का ये लेवल आ रहा है 11,363। तो ये अगर लेवल ब्रेक होता है 11,361 तो यहाँ पर हम इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,390, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,405, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।